तो हम लोग को पढ़ना क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी को बनाने के पहले कुछ चीजों की जानकारी रखना है कि समांतर श्रेणी है क्या। हाँ, तो समांतर श्रेणी क्या है, इसके इसके जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए। तो इसमें देखिए, एक तो संख्याओं का एक क्रमबद्ध तरीका से लिखा हुआ एक चीज मिलता है संख्या का। हाँ, जैसे कि जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा लिखा हुआ है, डॉट 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 ऐसा है। तो क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है? अगर समांतर श्रेणी है तो ही बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग समांतर श्रेणी से इसको कर रहे हैं। तो इस चीज को करने के पहले कुछ चीजों की जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो नहीं, जब हम लिखते जाएंगे बनाते जाएंगे तो नहीं बन पाएगा, कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके पहले क्या होना है, क्या क्या हम लोग को समझना है ना, टर्न क्या है, टर्न टर्न ये देखिए, टर्न यहाँ पे लिखे हैं, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पद। और एक तो है सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो पद को हम लोग किससे सूचित करते हैं ये जानना जरूरी है। तो हम लिख देंगे अब इंग्लिश में वो क्या है पता नहीं चलेगा, पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। हाँ, ए का नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, वन है, A1, हम A1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद वाला पद क्या हो जाएगा, A2, उसके बाद वाला A3, A4 ऐसा आएगा। हाँ, A5, A6, तो ये जो है ये एक एक क्या है, एक एक क्या है जी, पद है, एक एक पद है ये सब, समझ गए, इसको पद कहते हैं, यही टर्म है मेरा। अभी पद समझ गए, तो हम लोग को एक गिनना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, अगर मानो यहाँ पे 7, 8 यहाँ पे दिया हुआ है, अभी पूछा गया कि 7 जो 7 है वो कितना नंबर पद है, A7। हम यहाँ पे लिख देंगे A7=7 है। हाँ, अगर ऐसा नहीं रहता है तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे बड़ा बड़ा संख्या है, 10 से हम 5 से देते हैं। हाँ, 5 का अगर होगा तो 5 का पहाड़ा में आ जाएगा, 5 का पहाड़ा में नहीं, 5 का अगर 5, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा हो गया ना। हाँ, 30 ऐसा है। तो इसमें अगर हम बोलेंगे कि इसका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पद क्या है, A5 क्या है, तो क्या हो जाएगा, हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया कि नहीं, तो मेरा A5 25 हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से पद समझ गए कि पद क्या है ना, जितना संख्या लिखा हुआ है, संख्या एक एक तो लिखा हुआ है कि नहीं, वो एक एक क्या है, पद है, एक एक पद है। लेकिन गिनती हम लोग किधर जिधर से करेंगे, इधर से करते हैं गिनती, तो इधर से हम लोग गिनती करके वो पद का संख्या लिखते हैं कि कितना है, समझ में आ गया। अभी और एक तो चीज क्या समझना है, तो पद समझ में आ गया, पद क्या है। हाँ, और अंतिम में जो होता है ये लास्ट में एकदम अंतिम में जो पद दिया होगा उसको क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म। हाँ, यानी कि इसको हिंदी में अगर बोला जाता है तो अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद एकदम लास्ट में रहेगा, अंतिम पद होगा वाला, अंतिम पद बोल के भी एक टर्म आता है, इसमें शब्द आता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद बोलते हैं। अभी देखो सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है, इसको तो ए से सूचित किया जाता है, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, डी। हाँ, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है, डी। डी इज इक्वल टू क्या है, डी, डी बराबर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कि इस दोनों का बीच में को क्या डिफरेंस है, गैप कितना है, माइनस करके हम लोग निकालते हैं, इसके इसमें गैप कितना है, 5 के बाद 10 आया, तो 10 - 5 कितना हो गया, 10। और अभी इस दोनों में 15 - 10 तो कितना हो गया, 5। इस दोनों में लगातार 20 और 15 में कितना हो गया,
यहाँ पांच होगा ना अभी, यहाँ पे पांच, तो यहाँ पर भी पांच, इस दोनों में पांच हो गया, पच्चीस और बीस पांच हो गया, तो पांच हो रहा है, सब में पांच हो गया। तो जब कॉमन क्या बोला जाता है, कॉमन किसे बोलते हैं, जब हम लोग क्या लेते हैं एक्स, यहाँ पर भी एक्स रहता है ना जी, यहाँ पे जैसे टू एक्स, टू एक्स क्या प्लस थ्री एक्स, तो हम लोग एक्स को कॉमन लेते हैं कि नहीं, क्योंकि एक तो एक्स चला गया तो एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स क्योंकि दोनों में है तो यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, इसलिए एक तो एक्स कॉमन लिया जाता है। तो इसमें बोल लो, अभी बोल कॉमन का मतलब समझ गए, तो सब में पांच पांच है कि नहीं, तो कॉमन आ जाएगा, तो इसका कॉमन संख्या क्या हो गया पांच, इसलिए लिखा गया है कॉमन। और डिफरेंस मतलब अंतर, कॉमन और डिफरेंस, सर्व अंतर आ गया कि नहीं, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया फाइव। तो इसका भी एक फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको निकालते हैं कि डी कैसे निकालोगे, लगातार दो पदों का अंतर, लगातार दो पद लगातार, इस चीज को समझ लेना कि इसको और इसको नहीं, लगातार दो पद कौन कौन सा है, ये और ये, लगातार ये और ये, लगातार ये और ये भी है ना, ये और ये भी है, ये और ये भी है लगातार, और ये और ये भी है लगातार, लगातार दो पदों का अंतर होना है। तो लगातार दो पदों क्या हो सकता है, हम लोग लिखते हैं ज्यादातर ए टू और ए वन, ए टू माइनस ए वन, मतलब यहाँ पे ए टू क्या है दस है, माइनस फाइव पांच, तो कितना हो जाएगा पांच, हो गया कि नहीं। अगर देखो इसका डी पांच हो गया, तो अगर सभी को हम लोग इसको एपी है कि नहीं अगर ज्ञात करते, तो इसको डी वन डी टू डी थ्री ऐसे करके निकालते हैं, सबका डी अगर समान आ गया तो उसको हम लोग क्या घोषित कर देते हैं कि ये एपी है। अभी देखिए अगर हम इसको नहीं, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव और सिक्स है, ये ए फाइव और ये ए सिक्स, तो डी बराबर ए सिक्स माइनस ए फाइव भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीस और पच्चीस, तो कितना हो गया पांच, हो गया ना। तो देखिए इसका भी पांच है, इसका भी पांच है, तो जब भी हम एपी करेंगे तो एपी करने के लिए पद और सर्व अंतर की जानना बहुत जरूरी है, कि पद हम कैसे लिखें, पद को कैसे लिखे, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर करके लिखेंगे, और सर्व अंतर को क्या लिखेंगे डी से। कॉमन, कॉमन क्यों, क्योंकि सब में उसका डिफरेंस वही होता है, इसलिए उसको कॉमन लिया जाता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, हो गया क्लियर। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का कुछ बनाएंगे। हाँ अभी देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति के संबंध में संख्याओं की सूची एपी है और क्या नहीं। हाँ प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर के लिए क्या है, एक नंबर क्वेश्चन। हाँ देखो प्रथम किलोमीटर, हाँ प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है जी, किराया है 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए। तो इसका एपी का प्रथम पद कितना बना, ए वन कितना बना मेरा 15। उसके बाद क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपया बढ़ेगा, 8 रुपया बढ़ेगा, 8 रुपया प्रत्येक के लिए कितना बढ़ेगा, 8 रुपया होगा, तो 8 प्लस हो गए कि नहीं, तो प्रत्येक के लिए ए टू मेरा कितना बन जाएगा ना, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। ए थ्री कितना हो गया, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31, तो हमें मिल गया। तो इसमें क्या निकालना था हमको, इसका क्या निकालना था, क्या निकालना है जी, एपी का एक सूची निकालना है, सूची निकालना है, सूची मतलब
हम सबको लिखेंगे तो कितना डो लिखे, 1, 2, 3, हम 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं कि नहीं। 31 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो हम लिख देंगे अतः एपी बराबर क्या हो गया ना, 15, 23, 39। डॉट 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 करके इसको, ये हमारा आंसर।